दोस्तों आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो डाला पार्ट, तो उसको भी आप देख लीजिए। और ये सेकेंड वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, और इतना इजी सिस्टम बताया गया इसमें कि कैसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रखें। बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मैं आपको ऐसी इस तरीके से इतना इजी तरीके से याद कराऊंगा, एक सिस्टम से याद कराऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे आपको बड़ी इजीली याद रहेगा। तो देखेंगे सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो लिया है दैट विच कैन बी सीन थ्रू, मतलब दैट विच कैन बी सीन थ्रू, मतलब जिसे देखा जा सकता है। थ्रो का मतलब होता है आर पार, जिस चीज को हम आर पार देखा जा सकता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसे बोलते हैं पारदर्शी। तो जो चीज आर पार दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और इसका जस्ट अपोजिट दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, मतलब जिसको नहीं देखा जा सकता है आर पार, जिस चीज को नहीं देखा जा सकता है उसे हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, जिस चीज को हम आर पार नहीं देख सकते। तो केवल थोड़ा सा अंतर है, केवल नॉट लगाना, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी और ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स भी है। और सिस्टम है सिंपल, इससे रिलेटेड दूसरा है, तीसरा है दैट विच कैन बी बिलीव, मतलब जिस चीज पर विश्वास किया जा सकता है। ये विश्वास करने ये जो चीज होती है या जिस चीज पर विश्वास किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिबल, जिससे बोलते हैं विश्वसनीय, तो जिस चीज पर विश्वास किया जा सकता है उसे बोलते हैं क्रेडिबल। और दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये जो विश्वास करने योग्य नहीं है, ये विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, या जो विश्वास करने के लिए कठिन है उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल, जिसे बोलते हैं अविश्वसनीय। बोलते ना दिस परफॉर्मेंस इज इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसे बोलते हैं क्रेडिबल, और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है ए पर्सन, एक व्यक्ति, Who can read, जो पढ़ सकता है, एंड राइट मिस लिख सकता है उसे बोलते हैं लिटरेट, जिसे बोलते हैं पढ़ा लिखा। तो ए पर्सन, एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है एंड राइट मिस लिख सकता है उसे बोलते हैं लिटरेट, जिसे बोलते हैं पढ़ा लिखा। नेक्स्ट है ए पर्सन, एक व्यक्ति, Who can, जो नैदर मिस होता है ना तो रीड माने पढ़ सकता है नॉर ना ही राइट मिस लिख सकता है। तो जो ना लिख सकता है और ना पढ़ सकता है उसे बोलते हैं इलिटरेट, जिसे बोलते हैं अनपढ़। तो इससे रिलेटेड ये, जो पढ़ लिख सकता है उसे बोलते हैं लिटरेट, और जो पढ़ नहीं लिख सकता है उसे बोलते हैं इलिटरेट। केवल आई एल को ऐड किया है, और ये एक दूसरे के एंटोनियम्स भी हैं। इसी प्रकार से ये भी एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, केवल इन दोनों में इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेवन, विच कैन बी सीन, आप सोच रहे हो ये और ये थोड़ा सा सेम, सही बात है, लेकिन इसमें थ्रो लगा हुआ है, लेकिन इसमें थ्रो नहीं लगा हुआ। जिस चीज को आर पार देख सकते हो तो ट्रांसपेरेंट होता है, और जिस चीज को केवल देखा जा सकता है, जो चीज हमें दिखाई देती है उसे बोलते हैं विजिबल, जिसे बोलते हैं दृश्य, जिस कोई चीज आपको दिखाई दे रही है तो उसे बोलते हैं विजिबल है। विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है उसे विजिबल कहते हैं, और विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है इसे बोलते हैं इनविजिबल, जिसे बोलते हैं अदृश्य। तो विजिबल का अपोजिट हो जाएगा या एंटोनियम्स भी इनविजिबल हो जाएगा, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। इस प्रकार से याद करोगे तो बहुत इजी याद रहेगा और जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है विच कैन बी हियर, जिसको सुना जा सकता है, या कैपेबल या योग्य होता है बीइंग हियर, जो सुनने में जो चीज योग्य होती है उसे बोलते हैं ऑडिएबल, ऑडिएबल।
ऑडिबल मिस होता है सुनाई देने वाला, जो चीज सुनाई देती है उसे बोलते हैं ऑडिबल, ऑडिबल ऑडियो होती है ना, ऑडियो उसी से बना ऑडिबल. नेक्स्ट विच कैन नॉट बी हियर, जिसको सुना नहीं जा सकता है या जो सुनने में असक्षम होता है उसे बोलते हैं इनऑडिबल. तो ऑडिबल से ही बना है इनऑडिबल. तो ऑडिबल मिस होता है सुनाई देने योग्य, और जिसको सुनाई नहीं, जो सुनाई नहीं दिया जा सकता है उसे बोलते इनऑडिबल. तो एक दूसरे के लिए एंटोनियम्स भी हैं, साथ ही साथ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है. 5-10 है, यानी कि पहला दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से, ऐसे चौथा पांचवें से, और 7 जो है वो 7 जो है वो 8 से रिलेटेड है, और 9 जो है वो 10 से रिलेटेड है. और ये जो जैसे मान लो आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट है, जैसे 11th के या 12th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीका याद रखने का. अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई